तो आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कैलकुलेशन और सब्सक्रिप्शन का टॉपिक को हम लोग सीखेंगे कि इसको कैलकुलेशन और सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। मैंने एक वीडियो दिखाया जिसमें के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत भी मैंने कैलकुलेशन सब्सक्रिप्शन का टॉपिक सिखाया था कैलकुलेट करना, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस होगा कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस में अगर ट्विस्ट आ जाए तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए जनाब, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अपियर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब देखो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गिवन है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट यहाँ पर गिवन कर दी गई है। 3,000 रुपीज़ हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब इस 3,000 रुपीज़ के अंतर्गत से हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की अमाउंट निकालनी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की अमाउंट निकालनी है आपको, कैलकुलेट करनी है, राइट। इसके बाद देखते हैं, एडजस्टमेंट वर मेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। सब्सक्रिप्शन 2013 अनपेड, 2013 में अनपेड था, 1 जनवरी 2014 400, इनमें से 200 ऑफ विच वॉज रिसीव इन 2014 के अंदर, यानी कि 400 रुपीज़ हमारी आउटस्टैंडिंग थी, क्या नाम है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग हमारी 400 की थी, तो हमने इसे 400 की आउटस्टैंडिंग को यहाँ पे नोट कर लिया, 400 की आउटस्टैंडिंग हमने यहाँ पे नोट कर ली, और इस 400 में से 200 रुपये रिसीव्ड हो गए, यानी कि 200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, 200 रुपीज़ अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो 200 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग में प्लस कर दिए जाएंगे। जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हमें क्वेश्चन में गिवन है 140, 140 रुपये हमें करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग दे रखे, तो 200 प्लस 140 करके हमारा आ जाएगा 340 रुपीज़, 340 रुपीज़ आ गया, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस 1 जनवरी, ओपनिंग हमारा सब्सक्रिप्शन दे रखा था 100 रुपीज़ का, तो 100 रुपये का प्रीवियस ईयर की का एडवांस है तो हम प्लस करेंगे, प्रीवियस ईयर के एडवांस को प्लस करेंगे और करंट ईयर के एडवांस को हम लोग माइनस करते हैं। करंट ईयर के एडवांस हमारा 80 रुपीज़ का है, वो हम लोग उसको डिडक्ट कर देंगे, 80 रुपीज़, राइट। तो अब हम इसको बैक कैलकुलेशन करते हुए सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बैलेंसिंग फिगर के बतौर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जनाब किस तरीके से आएगा हमारा, 3,000 में 3480 हम प्लस कर लेते तो 3480 इधर का टोटल आ गया हमारा, क्लियर। और इसमें अगर हम ये वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 3040 हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये बैलेंसिंग फिगर के बतौर हमें कैलकुलेट होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बैलेंसिंग फिगर 3040 का, ठीक है। एक और हम क्वेश्चंस देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 में हमें इसको प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट के बतौर भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसको, राइट। सब्सक्रिप्शन एरियर हमें 31 मार्च 2014 का हमें दे रखा है, यानी प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है हमारा, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग हमारी जो सॉरी 31 मार्च 2014 की जो हमारी आउटस्टैंडिंग यानी प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है वो हमारी 1500 की गिवन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2014 का यानी कि प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है वो हमारा 1,000 रुपीज़ है, तो 1,000 रुपीज़ प्रीवियस ईयर के एडवांस को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 40,000 रुपीज़ की हमारी ये गिवन है, ठीक है। इसके बाद हमारा 40,000 में 1,000 रुपीज़ फॉर भी 2013 एंड 14 के थे, 1,500 फॉर 2015 एंड 16 के थे, ठीक है। तो 2015 एंड 16 का हमारा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हमारी कितनी हो गई, 1,000 अमाउंट सब्सक्रिप्शन 14-15 का 40 था, विच इंक्लूड 1,000 फॉर द 2013 एंड 14 के थे, यानी कि प्रीवियस ईयर का एडवांस, प्रीवियस ईयर के एडवांस को हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के एडवांस को हम लोग प्लस करते हैं, हमने प्लस कर ही दिया है सब्सक्रिप्शन एंड रिसिप्ट, ये आ गया हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द बिगनिंग ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग हमें कितनी गिवन गिवन है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारी 1,500 रुपीज़ की, 1,500 की हमारी आउटस्टैंडिंग गिवन है, ठीक है। अब इसमें से हमें रिसीव कितना हो गया, इस साल की आउटस्टैंडिंग हमें क्वेश्चन में गिवन थी, सब्सक्रिप्शन एरियर हमारा 1,500 था, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हमारा 1,500 का हो गया, इस साल का आउटस्टैंडिंग हमारा 15 क्या नाम 1,000 का आउटस्टैंडिंग था, 1,000 का हमारा आउटस्टैंडिंग था हमारा, और 1,000 की आउटस्टैंडिंग में पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हमारा कितना था 1,500, जिसमें से 1,000 रुपये रिसीव्ड हो चुके हैं, 1,000 रुपये हमें रिसीव्ड हो गए, तो 1,000 रुपये जो रिसीव्ड हो गए हैं वो हम जो है डिडक्ट कर देंगे
आउटस्टैंडिंग थी 1500, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी 1500, जिसमें से 1000 रुपये हमें रिसीव्ड हो गए, बचे कितने 500, 500 रुपीज़ को करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग में प्लस कर लेंगे, तो हमारा टोटल करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हो गई 1500 रुपीज़, राइट। 1500 रुपीज़ हमारी करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, तो हम इसको अगर प्लस करेंगे तो 42,500 रुपीज़ आ गया, क्लियर। और एडवांस हमारा, हमारा जो एडवांस दे रखा है करेंट ईयर का एडवांस जो है प्रीवियस ईयर का था अमाउंट, उसका जो 40,000 इंक्लूड 15 का एडवांस हमारा 1500 रुपये दे रखा है, इस करेंट ईयर का एडवांस हमारा गिवन है 1500 रुपीज़, वो हमने यहाँ पे लिखा, 3000 माइनस किया तो 39,500 रुपीज़ हमारा, 39,500 रुपीज़ हमारा जो है सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर हम शो करेंगे, क्लियर। होपली ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।